जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए शासन द्वारा राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत पंचायत भवन सभागार में पोषण पखवाड़े का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री पंचायती राज उत्तर प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता, मेयर मुरादाबाद विनोद अग्रवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संरक्षक प्रिया अग्रवाल भी मौजूद रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडले ने बताया कि पखवाड़े में पोषण संबंधी जन आंदोलन, जन जागरूकता एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़े के मुख्य कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि पखवाड़े के दौरान वंचित परिवारों तक पहुंचकर गृह भ्रमण को पखवाड़े का आधार बनाना, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से संपर्क करना, 6 माह तक केवल स्तनपान और 6 माह के बाद पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने के लिए और परामर्श पर फोकस किया जाएगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आंगनबाड़ी बहुत मेहनत से कार्य कर रही है, उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही जिले के बालक बालिकाओं के अनुपात में काफी उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। जिलाधिकारी ने अपेक्षा की कि पखवाड़े की समाप्ति पर जो पखवाड़े का उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया होगा और पखवाड़े के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी को सम्मानित किए जाने की बात रखी। डॉक्टर विशेष गुप्ता ने बताया कि आज की बालिका कल की महिला बनेगी, हमें मातृशक्ति का ऋणी रहना चाहिए और सदैव उनका आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही हम उन्हें सम्मान ना भी दे पाए पर इतना हो कि हमारे पास आने पर उनको कोई डर ना हो बल्कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यही उनका सम्मान है। जब इस पखवाड़े की थीम पुरुष सहभागिता है तो कोशिश की जाए कि अधिक से अधिक पुरुषों को अभियान से जोड़ा जाए। गृह भ्रमण के दौरान उपस्थित पुरुषों से अवश्य बात की जाए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सर्वप्रथम सभी को पोषण शपथ दिलाई तथा साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री जी का योजनाओं में महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष तौर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एनीमिया महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्याओं में आती है। अगर कोई महिला ही खून की कमी की शिकार होगी तो उसके बच्चे स्वाभाविक रूप से कमजोर होंगे, इसलिए अधिक से अधिक महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य के लिए जानकारियां प्रदान की जाएं और उनको सेवाओं से जोड़ा जाए। मंत्री जी द्वारा पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पोषण को कर और मजबूत करने का वचन देता हूं। पोषण पखवाड़ा के दौरान मैं घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी।